नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। जैंट्स ग्रुप ऑफ चैवासा के संस्थापक दीपक शर्मा को जैंट्स वेलफेयर फाउंडेशन ब्रांच 8 के सत्र 2020-21 के लिए प्रांतीय अध्यक्ष पद पर मनोनीत किए जाने पर सदस्यों के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सनशाइन रेस्टोरेंट में आयोजित समारोह में दीपक शर्मा ने ब्रांच 8 के समग्र विकास, विस्तार और सामाजिक उत्थान के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए सहयोग करने की अपील की। समारोह में सदस्यों ने सत्र 2020-21 के लिए अफताब आलम को अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया। इस मौके पर ग्रुप के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। राजनीति के भीष्म पितामह स्वर्गीय बागुन सुमरुई की जयंती कांग्रेस भवन में मनाई गई। राजनीति क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले स्वर्गीय बागुन सुमरुई की तस्वीर पर कांग्रेसियों ने फूलमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मनोहरपुर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में आनंदपुर निवासी 19 वर्षीय जितेन मुखी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी ने स्वीकार किया है कि नशा सेवन के लिए चोरी करते हैं। मनोहरपुर थाना में दर्ज कांड संख्या के उद्भेदन के लिए मनोहरपुर थाना पुलिस के द्वारा छापामारी अभियान चलाया गया। इस अभियान में आनंदपुर थाना क्षेत्र से चोरी की मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स के साथ जितेन मुखी को गिरफ्तार किया गया। उसने बताया कि 2 माह पूर्व 4 बांदिया से एक साथी के साथ मोटरसाइकिल की चोरी की थी। कुमारडुंगी थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी जोजो हाथू निवासी रोया हिस्सा को गिरफ्तार कर लिया। मामले के आरोपी 10 वर्ष से फरार चल रहे थे। कुमारडुंगी थाना में राजेंद्र गागराई ने 11 जनवरी 2010 को अज्ञात महिला की हत्या कर शव को छिपाने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस अनुसंधान में रोया हिस्सा पर हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस को सूचना मिलने पर रोया को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से चलाए जा रहे 3 दिवसीय आवासीय युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में युवाओं को सोशल मीडिया के प्रभाव, दुष्प्रभाव और इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के तरीके के बारे में जानकारी दी गई। बड़ा पास्या पंचायत भवन में चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 40 प्रतिभागियों के बीच ग्रुप एक्टिविटी कराई गई। 3 दिवसीय कार्यक्रम में हुए 9 सत्र में नशे के खिलाफ मुहिम चलाने की प्रेरणा दी गई। साथ ही सभी युवाओं को नशा मुक्ति उन्मूलन के तहत नशा से दूर रहने का शपथ दिलाया गया। कार्यक्रम में अर्जुन पूर्ति ने युवाओं को जीवन में संस्कार के महत्व के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि संस्कार के बिना मनुष्य पशु के समान है। कार्यक्रम में बिसातयू और मुखिया बामिया लागुरी ने नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी। सदर प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के बीमार छात्राओं के उपचार में दिन रात योगदान देने के लिए सभी चिकित्सकों एवं कर्मियों का आभार व्यक्त करने के लिए सदर अस्पताल चैबासा के सभागार में उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने बैठक की। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर मंजू दुबे, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संजय कुजूर, डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम, डॉक्टर समीर पाल के अलावे चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, स्वास्थ्य कर्मी, NM मौजूद थी। उप विकास आयुक्त ने कहा कि 14, 15 एवं 16 फरवरी को सदर प्रखंड अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं के उपचार में दिन रात अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले सभी डॉक्टर और अस्पताल कर्मी को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। छात्राओं के उपचार में जो सेवा भाव का प्रदर्शन चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा किया गया है, वह वास्तविक में राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य 2 ऐसी व्यवस्था है जिसके पुख्ता के साथ
मुफ्त उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन प्रयासरत है। यह सुविधा प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार भी है। सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अगर योग्य लाभुकों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो ऐसे में सरकार के कार्यकारी एजेंसी होने के नाते हम सभी पदाधिकारियों का यह विशेष दायित्व बनता है कि उन्हें योजना से आच्छादित करते हुए उनके जीवन में बदलाव लाएं। आज से 10 साल 15 साल बाद आपको अच्छा लगेगा कि ये सब संस्था बंद हो जाए, सरकारी अस्पताल बंद हो जाए, सरकारी स्कूल बंद हो जाए और सब प्राइवेट को दे दे और हम लोग उसको पैसा दे दे, है ना? लिटरल सेंस में यही है। आयुष्मान भारत क्या है? यही है स्कीम। तो कभी भी आयुष्मान भारत टाइप की स्कीम आदमी डिजर्व करता है बाय बर्थ राइट, सिर्फ उसको इस देश में जन्म लेना है बस, उसके बाद उसको कुछ करना नहीं इन चीजों को पाने के लिए। ये चीजें सरकार का अपना मौलिक कर्तव्य है कि उसको उन लोगों को वो प्रोवाइड करे, और अगर नहीं करा पाते हैं तो ये सिर्फ आपने हम लोगों का बहुत बड़ा फेलियर हो। मुझे बहुत खुशी है इस कार्यक्रम में आप लोग आए और बहुत खुशी है कि आप लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है लास्ट एक साल सवा साल में, और मैं चाहूंगा कि यही जोश यही जज्बा बनी रहे और साल दो साल पांच साल बाद भी मैं जब कभी ऐसे घूमने भी आऊं तो मुझे अस्पताल इससे बेहतर दशा में दिखे। JSLPS के माध्यम से क्रियान्वित विकास परक योजनाओं की समीक्षा बैठक उप विकास आयुक्त ने की। बैठक में 11 जनवरी को हुई समीक्षात्मक बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में JSLPS के जिला कार्यक्रम प्रबंधक शैलेंद्र जारिका के अलावे जिला प्रबंधक और प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक उपस्थित थे। बैठक में उप विकास आयुक्त ने जिले में संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभुकों को समर्पित करने और संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के माध्यम से किए जा रहे कार्यों के प्रति लोगों को जागृत करने का निर्देश दिया। बैठक में NRLM, जायका, जोहार योजना, महिला किसान सशक्तिकरण योजना, रेशम योजना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की। बैठक में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का बचत खाता खोलने में हो रही परेशानियों को चिन्हित करते हुए प्रखंडवार और बैंकवार प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम प्रबंधक को कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया ताकि इन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हो सके। बैठक में कृषि एवं पशुपालन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए सखी मंडल के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। जिले के गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं कुपोषित बच्चों को सखी मंडल की महिलाओं द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही पौष्टिक आहार से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। संविधान के प्रति जागरूकता एवं मौलिक कर्तव्य का पालन करने के लिए महिला कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना एवं छात्राओं के द्वारा संविधान के प्रति जागरूकता लाने के लिए रैली निकालकर अभियान चलाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चैबासा की ओर से शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव कुमारी जीव के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली महिला कॉलेज से निकलकर सदर बाजार होते हुए पुनः महिला कॉलेज पहुंची। रैली में NSS छात्राओं एवं PLV के द्वारा संविधान का पालन, संविधान का सम्मान और संविधान का आदर करने का नारा लगाया गया। संविधान के प्रति जागरूकता रैली 27 फरवरी को कोल्हान यूनिवर्सिटी के NSS की छात्राओं के द्वारा निकाली जाएगी। ज्ञान सेतु पाठ्यक्रम की मासिक समीक्षात्मक बैठक जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर ने की। बैठक में जनवरी 2020 ज्ञान सेतु पाठ्यक्रम और विद्यालय प्रमापीकरण की प्रगति की प्रखंडवार समीक्षा की गई। मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय सभागार में हुई बैठक में
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालय प्रमापीकरण के कार्यों की समीक्षा के दौरान आनंदपुर, गोईकेरा, नौमुंडी और मनोहरपुर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को स्वनामांकन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।